वाइटनिंग क्रीम से, पल्स वाइटनिंग क्रीम से। तो ये मेरा, ये मैं अपना मॉइस्चराइज कर रही हूँ अपना फेस। अब हम ना फेस पे सीरम यूज करेंगे। हम सीरम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे मेकअप में ग्लो आए और काफ़ी ज़्यादा शाइन करे हमारा मेकअप। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्राइमर। डैप डैप करके यूज करना है इसको भी। नोज पे अप्लाई करिए, जहाँ जहाँ आपको पसीने आते हैं, स्वेटिंग होती है वहाँ पे। अब हमारा फाउंडेशन टाइम। ये मेरा मेबरिन फिटमी का शेड नंबर 15। तो ये मेरा फाउंडेशन है। मेरा ब्लेंडर मैंने धुलने को डाल दिया था, तो मेरा कॉम्पैक्ट का जो ब्लेंडर है उससे मैं आज यूज़ कर रही हूँ। पहले आप पॉइंट पॉइंट करके हर जगह अप्लाई कर लो, फिर आप ब्लेंड करो, काफ़ी अच्छे से हो जाता है। और अपने नेक को भूलिएगा नहीं, इसलिए अगर आपने नेक में नहीं लगाया तो आपका ये प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसकी डिफरेंसेस दिखने लगती हैं। आपने इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेकअप लगा रखा है, यहाँ पे नहीं लगाया है, इसलिए ये हमारा ये पोर्शन ओपन रहता है। तो टैप टैप करके इसको अप्लाई करिए। अपने ईयर्स के पास भी अच्छे से अप्लाई करिएगा। ये कहाँ ये को बोल गया। अब हमारा कंसीलर टाइम। उफ, ये कंसीलर कहाँ से लिया। अरे यार, कंसीलर फिटमी का। आपके जहाँ जहाँ डार्क सर्कल है वहाँ पे अप्लाई करिए। और मैं आईज पे आई शेडो के लिए भी यूज़ करूँगी, इन आई शेडो बेस। हाईलाइट नोज, अपने नोज को हाईलाइट करिए एना कंसीलर। मैं उसी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा शैडो। ये मेरा लाइट ब्राउन शेड है। नो, ये मेरा रेडिश पिंकिश शेड है। ऑल ओवर में आपको मिक्स करना है।
अच्छे से ब्लेंड करिएगा ताकि आपके अलग अलग ना पता चले, क्लियरिटी पता चले काफ़ी अच्छी। वन सेकेंड गाइस, आई विल यूज माय मिरर। आपने आउटर रिम में थोड़ा सा डार्क शेड यूज करिए, ब्राउन शेड। इसमें भी हमें वही करना है, आउटर वे में ब्राउन शेड में यूज करना है थोड़ा डार्कनेस। आप दोनों कलर दोनों शेड्स को अच्छे से ब्लेंड करिए ताकि उसमें कुछ डिफरेंसेस ना पता चले। थोड़ा सा और हम यूज करेंगे। अब हम अपना गोल्डन कलर यूज करेंगे लिड। Look guys, it's looking amazing. Next step है हमारा ब्राउजर, जो हमें अपना ब्राउजिंग करना है। ये सब शुरू हो जाते हैं फिर से, गिरा दे पहले। अब अपने नोज को कॉन्टोर करेंगे। मैंने तो बोल दिया है। भैया फोन उठ नहीं रहा है अभी। साइज बुक का नहीं। अब हम अपने आईज में सेम कलर से नीचे हम अपना रेडिश पिंक से थोड़ा सा करेंगे, मिक्स करेंगे। गाइस वाले शेडो यूज करो तो काफी सारे आपके ये फैल जाते हैं, तो उसको क्लीन करना मत भूलिएगा। तो मैं अभी अपने कंसीलर से क्लीन करूंगा। अब हम अपना काजल यूज करेंगे। काजल यूज करेंगे अपर लोअर लैशेस में भी। लोअर में भी हम करेंगे, लोअर लैशेस में।
वही चीज हमें इसमें भी यूज करनी है, सेम वैसे ही हमें। ओह शिट, अब मुझे इस लाइनर यूज करना है। अब हम अपने ब्रश इसको वो करेंगे। ब्लेंड करेंगे एक स्मोकी काजल का लुक देने के लिए। इसमें भी वही चीज करेंगे हम, इसको भी हम ब्लेंड करेंगे। अब हमें नीचे में भी रफ करना है, ब्लेंड करना है। सॉरी गाइस, मुझे एक ब्लैक आई शेडो लेके ये विंग क्रिएट करना है, लुक लाइक दैट। हम अपना थोड़ा सा ब्राउन शेड और बढ़ाएंगे ताकि इसकी क्लियरिटी काफी अच्छी रहे। इसमें भी थोड़ा सा क्लियरिटी ब्राउन शेड की। इसमें ज्यादा हो गया है। मुझे इसमें करना पड़ेगा लिटिल मोर। इट्स ग्रेट। अब हमें इतना ब्राउन एब्रोज फिल करने हैं। गाइस फिलहाल मेरे पास ब्राउन एब्रो पेंसिल या कुछ है नहीं, तो मैं अपने आई शेडो पैलेट से ब्लैक शेडो से ही फिल कर रही हूँ फिलहाल। मैंने ऑनलाइन परचेज कर लिया है फिलहाल, अभी आने में टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे पास ज्यादा रहेगा। अब मैं अपने ब्राउज़र में कंसीलर करूंगी ताकि क्लियरिटी पता चले। फिलहाल मैंने आपको बताया था इसको क्लीन करने के लिए, तो कुछ ऐसे ही क्लीन करना है। आप एक फ्लैट ब्रश लेके इसको ब्लेंड करिएगा, काफी स्मूथली ब्लेंड करिएगा। इसलिए अपने आई शेडो, मैंने आई शेडो तो लगा रखा है।
हो गया। गाइस आप देख सकते हैं क्या ये ऐसे फिनिशिंग देगा। अब मुझे अपना ब्लशर यूज करना है गाइस, थोड़ा स्माइल करके ब्लशर यूज करो तो काफी अच्छा लगता है। दिखाओ yes, guys, it's complete. थोड़ा सा चिन पे भी आप ब्रश लगा लो तो काफी अच्छा लगता है। अब हम अपने फेस पे हाईलाइटिंग करेंगे। फैन ब्रश से नोज पे करेंगे फर्स्ट हाईलाइट करने के लिए। लिप्स के ऊपर। अच्छा मैं कोचिंग जा रहा हूँ तो बाद में बात करते हैं। चिक्स पे रात में दिन जा रहा ज़्यादातर गर्ल्स का ये फेवरेट सेशन होता है हाईलाइट करना अपने फेस को। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है लिपस्टिक। मैं कुछ मिक्स करके क्रिएट करूँगी कलर। मैं ये म्यूट कर लूँगी। It's done guys. चलिए हम अब ड्रेसअप करके आती हूँ मैं।